आज हिमाचल सीएम भाव शपथ ने सुखविंदर सिंह सुखु अपराह सिमलारे शपथ समारोह रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी और राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामिल हे। मुख्यमंत्री पद को नहीं छकापंजा जारी रही बेले गत काली विधायक दल बैठक में सुखविंदर ना मोहर बाजी तेरे सिमलारे बसी बैठक में सुखविंदर को विधायक दल नेता चयन कर पूर्वतन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पत्नी प्रतिभा सिंह तमाम लबी सत्वे सुखविंदर को सीएम करने को हाईकमाण निष्पत्ति सीएम पदपाई प्रतिभा दलर नवनिर्वाचित 40 विधायकों समर्थन न मिलपुर से रेस्रु बाहरी जाते। पूर्वतन मुख्यमंत्री वीरभद्र सुखविंदर राजनैतिक संपर्क भल ना सेपटे प्रतिभा समर्थक मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री भाव शपथ ने शपथ ग्रहण उत्सव पूर्व प्रतिभा भेटी आलोचना करते सुखविंदर मुख्यमंत्री पद को नहीं दल भितर मतभेद रही आलोचना होता बेले हिमाचल में आगामी 5 वर्ष स्थिर सरकार रोली प्रतिभा सुखविंदर सिंह हिमाचल कांग्रेस जड़े टाणुआ नेता राजनीति में विचक्षण सुखविंदर दल प्रति निष्ठा रही से गत 40 वर्ष धरी कांग्रेस जड़ित अच्छा कॉलेज रे पाठ पढ़ा समय से राजनीति में सक्रिय होते 1988-1995 पर्यंत एनएसयूआई अध्यक्ष थे यहीपाई तृणमूल राजनीति में सुखविंदर बेस दबदबा रही सेपटे गुजरात में बीजेपी बहुमत पाई बेले आसंता काली मुख्यमंत्री भाव शपथ ने भूपेन्द्र पटेल शपथ समारोह रे प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री सामिल होगा कार्यक्रम रही है। औपचारिक तौर पर एक मुलाकात करने आए थे कि आप प्रदेश की अध्यक्षा है और मैं सीएम हूं तो हमने मिल के चलना है इस औपचारिकता के लिए वो आए। क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी? होगी होगी, क्यों नहीं होगी, हम कोऑपरेट करेंगे बिल्कुल और एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। उन्हें निमंत्रण दिया शपथ का, वो प्रदेश अध्यक्ष है और मैं पहला कांग्रेस का सदस्य हूँ जो कांग्रेस के सदस्य होने के नाते वो हमारी अध्यक्षा है, उनको मैंने निमंत्रण दिया, वो निमंत्रण में आएंगी और निश्चित तौर पर आएंगी। आज हिमाचल सीएम भावे शपथ ने सुखविंदर सिंह सुखु अपराह्नरे सिमलारे हेबाकु थिबा शपथ समारोह रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी और राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामिल हेबे। मुख्यमंत्री पद को नहीं छक्का पंजा जारी रही बेले गत काली विधायक दल बैठक में सुखविंदर ना मोहर बाजी सिमलारे बसीथिबा बैठक में सुखविंदर को विधायक दल नेता चयन कर पूर्वतन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पत्नी प्रतिभा सिंह तमाम लबी सत्वे सुखविंदर को सीएम करने को हाईकमाण्ड निष्पत्ति सीएम पदपाई प्रतिभा दलर नवनिर्वाचित 40 विधायकों समर्थन न मिलबारु से रेस्रु बाहरी जाते। पूर्वतन मुख्यमंत्री वीरभद्र सुखविंदर राजनैतिक संपर्क भल ना सेपटे प्रतिभा समर्थक मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ ने शपथ ग्रहण उत्सव पूर्व प्रतिभा भेटी आलोचना करिसंती सुखविंदर मुख्यमंत्री पद को नहीं दल भितर मतभेद रही आलोचना होता बेले हिमाचल में आगामी 5 वर्ष स्थिर सरकार रही प्रतिभा कहते। सुखविंदर सिंह हिमाचल कांग्रेस जड़े टाणुआ नेता राजनीति में विचक्षण सुखविंदर दल प्रति निष्ठा रही से गत 40 वर्ष धरी कांग्रेस सहित जड़ित अच्छा कॉलेज रे पाठपढ़ा समय से राजनीति में सक्रिय होते 1988-1995 पर्यंत एनएसयूआई अध्यक्ष रही तृणमूल राजनीति में सुखविंदर दबदबा रही सेपटे गुजरात बीजेपी बहुमत पाई बेले आसंता काली मुख्यमंत्री भाव में शपथ ने भूपेन्द्र पटेल आलोचना करने अमीय पांडव कांग्रेस मुखपात्र आम सहित तो जोड़ी होती श्री पांडव आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को अपराह्न को सर अपेक्षा कर कहीं सुखविंदर सिंह सुखु हिमाचल सीएम भाव में आज शपथ ने सहित श्री अग्निहोत्री डेपुटी सीएम भाव में शपथ ने आपड़ केमती देखुं सर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस शासन को बैठक विस्तृत भाव में जो आलोचना कराला समस्त नवनिर्वाचित विधायक मान मतामत नहीं से आधार में जो नुआ स्वाद शासन दवापी कांग्रेस नेतृबृंद निष्पत्ति नहीं गोटे स्वागत योग्य निष्पत्ति जो अभोग आज पर्यत आम प्रतिपक्ष मानने गोटे डायनेस्टी पॉलिटिक्स
ଚାଲିଛି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତି କେତେ ନିରାଧାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସୁତ ପାଣ୍ଡବ ଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବ ହିମାଚଳରେ କାହିଁକି ନା କନ୍ଦଳ ଏବେ ବି କିଛିଟା ରହିଛି ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ସିଂଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତ କନ୍ଦଳ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହିମାଚଳର ତ କେବେ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ହେଇନି ରହିନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ସିଏମ୍ ରେସ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ଥର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥିଲା ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ରହିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କନ୍ଦଳ ଏଇଟା ମିଡିଆ ତାକୁ ନାରେଟିଭ୍ସ କରୁଛି ଚା କପ୍ରେ ଝଡ଼ କନ୍ଦଳ କ'ଣ ଆପଣ ଗୁଜରାଟରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା କନ୍ଦଳ ନଥିଲା କାହିଁକି ମିଡିଆ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ତ କରୁନଥିଲା ତେଣୁ ମୋ କହିଲେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ନଥିବା ଆଧାରହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସରକାର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଷ୍ଟାବଲ୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ସରକାରକୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେଠି ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲୁ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ବିକମ୍ସ ଆୱାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଭୋଟର୍ସ ଯେ ଆଗେ ସେଇ ସେଇ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସରକାର ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଧାନର MSP ମୂଲ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଋଣ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ କରାଯିବ ଇମିଡିଏଟଲି ଡେ ୱାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ଏଭୋଭ୍ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆପେଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସିମଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପେଲ ସେଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ସେଓ ବେଲ୍ଟରେ ବିଜେପି ପୁରା ହାରିଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଜିତିପାରିନି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକର ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ହିମାଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବୁ ଯେ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଇସ୍ତାହାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ।